नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। अगर आप लोग सेलफोन या मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर आप देखते होंगे मोबाइल जो है हीट हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है। आखिर क्या कारण है कि वो मोबाइल जो हीट हो जाता है, और अगर हीट होता है तो क्या उसका सॉल्यूशन है, क्या उसको सॉल्व किया जा सकता है, ये आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, मेरे हाथ में एक मोबाइल आप देख सकते हैं, ये एक सेलफोन है। अब यहाँ पे नॉर्मली आप देखेंगे इस मोबाइल में तो दो जगह पे ये सेलफोन जो है हीट होता है। यानी कि सबसे पहले आप ये समझिए, ये सेलफोन सब हर किसी का सेलफोन, अगर आपका भी मोबाइल है, आप भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप पॉकेट में रखिए या फिर चार्जिंग पे लगाइए या फिर नॉर्मली आप टेबल पे रख दीजिए, वो हीट हो जाता है। तो दो जगह वो हीट होता है, यानी कि दो जगह गर्म होता है। एक तो निचले जगह पे गर्म होता है या फिर दूसरा ऊपर में गर्म होगा, जहाँ पे कैमरा आपका रहता है। अब ये दोनों का सॉल्यूशन अलग अलग है, या फिर दोनों का जो डिजीज है, यानी कि जो रोग है, ये दोनों का अलग अलग है। दोनों पे जो गर्म होने का सिस्टम है, ये दोनों अलग है। दोनों क्या है, अगर आपके मोबाइल के निचले जगह पे अगर हीट होता है, यहाँ पे अगर हीट होता है, तो समझिए आपके बैटरी में कोई प्रॉब्लम है। और अगर वही ऊपर वाले स्तर पे गर्म होता है तो यहाँ पे सीपीयू लगा होता है, यानी कि यहाँ पे रैम इस्तेमाल किया जाता है। तो रैम पे कोई प्रॉब्लम होगा या फिर क्या प्रॉब्लम होगा वो हम आगे चलकर इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन दो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, अगर नीचे हीट होगा तो बैटरी का प्रॉब्लम होगा, और अगर ऊपर हीट होगा तो यहाँ पे जो है, जैसा कि हम आपको पहले ही बताएं कि रैम में कोई इफेक्ट होगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जा सकता है, और आखिर अगर ये मोबाइल हीट होता है तो आखिर क्या कारण है कि हीट हो जाता है। सबसे पहले बैटरी वाले जगह पे हम आते हैं, यानी कि मोबाइल का निचला हिस्सा अगर गर्म होता है तो आखिर क्यों गर्म हो जाता है। इसका रीजन ये है, कई बार क्रिएटर्स यानी कि जो दर्शक होते हैं, जो अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, वो कई बार या फिर बार बार अपने मोबाइल का चार्ज जो है, यानी कि चार्जिंग में जब लगाते हैं तो अपने मोबाइल का चार्जर इस्तेमाल ना करके वो किसी अदर मोबाइल के चार्जर का इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोचिए, अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो इतना तो नॉर्मली आपको मालूम होगा कि हर मोबाइल का जो पावर होता है उसका एक पर्सनल कंपनी के तरफ से चार्जर बनाया गया होता है, जिसमें सेट किया गया होता है कि कितना पावर वोल्टेज जो है वो मोबाइल में डालेगा या फिर कितना के स्पीड से डालेगा, उस हिसाब से उस मोबाइल का डाटा जो है स्टोरेज किया जाता है, या फिर अंदर जो बैटरी फिक्स किया होता है उसी के हिसाब से कंपनी जो है चार्जर तैयार करती है। तो अगर आप अपने मोबाइल में उस मोबाइल के चार्जर ना इस्तेमाल करके किसी और मोबाइल का चार्जर आप इस्तेमाल करते हैं, और अगर उस चार्जर का पावर जो है ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, ये दोनों अगर प्रॉब्लम होगा तो भी आपके मोबाइल के बैटरी में प्रॉब्लम होगा, और इस तरीके से आपके मोबाइल का निचला जगह यानी कि बैटरी वाला जो जगह है वो हीट हो जाएगा। या फिर दूसरा कारण कई बार ये भी होता है कि अक्सर ये नियम मेरा कहता है कि जब भी आप मोबाइल को चार्जिंग में लगाइए, इस मोबाइल का जो ये कवर बैक साइड का लगा हुआ है, इस कवर को आप निकाल दीजिए। हालांकि इस मोबाइल का कवर आप देख रहे हैं काफ़ी पतला है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे दर्शक हैं या फिर काफ़ी सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो मोबाइल यूज करते हैं तो उनका कवर जो है काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है। आप एक इंसान हैं, इंसान बन के खुद ही सोचिए कि नॉर्मली आप जब एक मोटा कपड़ा पहनते हैं, और वो भी गर्मी के टेम्परेचर में, गर्मी हम इसलिए बता रहे हैं, काफी सारे ऐसे भी दर्शक होंगे जो एग्जांपल लेंगे कि ठंडी में तो मोटा कपड़ा ही पहना जाता है, नहीं, जब हम चार्जिंग को मोबाइल में डालते हैं तो वहां पे हीट उत्पन्न होता है। अब जब हीट होगा तो वहां पे गर्मी, अगर ज्यादा मोटा आप कपड़ा वहां पे ढकेंगे तो आप समझ सकते हैं और ज्यादा वो हीट होगा। इसलिए नियम मेरा यही कहता है कि मोबाइल को जब भी चार्जिंग में लगाइए, इसका कवर जो है पीछे से जरूर हटा दीजिए। हालांकि इस तरीके से आज के डेट में अधिकांशतः लोग करते नहीं हैं, नॉर्मली अगर देखें तो 5% ही ऐसे लोग मिलेंगे जो सेफ्टी से अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हैं और बिल्कुल वो इस नियम का पालन करते हैं, और जब भी अपने मोबाइल को चार्जिंग में डालते हैं बैक साइड का जो कवर होता है वो निकाल देते हैं। तो दूसरा ये भी प्रॉब्लम होता है। तीसरा, अगर आपके मोबाइल का बैटरी जो है खलास हो चुका है, यानी कि जब आप देखिए कि आप बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, एक घंटा में जो है वो फिर से फिनिश हो जा रहा है, जहां आपका बैटरी पहले 4 घंटा चलता था, 5 घंटा चलता था, वही बैटरी आज के डेट में फुल चार्ज कर रहा है और 1 घंटा में जो है फिनिश हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि उस बैटरी का जो क्षमता है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और हालांकि आज के डेट में आप जानते हैं, पहले छोटे वाले मोबाइल में क्या होता था कि आप बैटरी को निकाल कर हटा देते थे, एक नॉर्मल बैटरी आता था, लेकिन इसके अंदर अब उस तरीके
तरीके का आपको बैटरी नहीं मिलेगा। बैटरी रहता जरूर है, लेकिन आप देखेंगे प्लास्टिक में एक मटेरियल, बैटरी के अंदर जो भी मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है उसी को पैक किया जाता है और उसी के आधार पर एक बैटरी टाइप का वहाँ पर बना के सेट किया जाता है। तो उसके अंदर का जो मटेरियल होता है वो बिल्कुल खलास हो चुका होता है, यानी कि ख़त्म हो गया होता है। इसलिए जब भी आप अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगाएंगे तो एक तो होगा क्या कि वो बैटरी आपका बहुत जल्द चार्ज हो जाएगा। जो बैटरी आपको पहले फुल होने में 3 घंटा 4 घंटा का समय लेता था, वही बैटरी आज के डेट में 1 घंटा में फुल चार्ज हो जाएगा। तो अगर ये भी आपके बैटरी के साथ समस्या होगा तो उसमें भी जो है आपका मोबाइल का निचला हिस्सा जो है हीट होता है। सीधा सीधी एक ही बात समझिए कि अगर बैटरी में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम होगा तो आपका मोबाइल जो है बिल्कुल हीट होगा। और दूसरा एक और सबसे बड़ा कारण है, कारण क्या है कि इस मोबाइल का जो LED आप देख रहे हैं यानी कि स्क्रीन जो आप सामने देख रहे हैं, जब भी आप मोबाइल को ऑपरेट करते हैं तो स्क्रीन पे एक लाइट होता है। अगर लाइट होगा तो जाहिर सी बात है हीट वहां पे होगा ही। इसलिए दूसरा कारण ये भी होता है। तो नीचे वाले जगह के बारे में हम आपको बता दिए कि बैटरी में प्रॉब्लम होगा इसलिए मोबाइल का निचला हिस्सा बैटरी वाले जगह पे जो है हीट हो जाता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको अपने मोबाइल का बैटरी जो है चेंज कराना होगा। अब चलिए बात करते हैं कि मोबाइल के अगर ऊपर वाले जगह पे हीट होता है यानी कि कैमरा वाले के जगह हीट होता है तो उसके लिए क्या है। तो उसके लिए हम आपको पहले ही बताए हैं कि हर मोबाइल का रैम का जो पावर होता है वो अलग अलग होता है। और अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो ये भी जान जाइए कि मोबाइल का अधिकांशतः जो मेन पार्ट होता है, जो भी मेन प्रोसेसर होता है, वो मोबाइल के ऊपर वाले हिस्सा पे ही स्टोरेज किया जाता है। जहाँ पे कैमरा फिक्स होता है वहीं पे हर पार्ट जो है वहाँ पे सेट किया जाता है। तो उसके कारण भी मोबाइल हीट होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि अगर मोबाइल का अगर ऊपर वाला पार्ट आपका हीट हो रहा है, कैमरा के पास अगर हीट हो रहा है, तो ये एक तरीके से अच्छी बात है। इसको आप बुराई मत समझिए या फिर इससे आपके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल, अगर जब तक आपका डिवाइस ऊपर वाला पार्ट हीट नहीं होता है तब तक वो बेहतर नहीं होगा। ऐसा हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप मोबाइल में देखेंगे, यहाँ पे नीचे की ओर गौर कीजिए, यहाँ पे जब आप मोबाइल में देखेंगे, हो सकता है किसी मोबाइल में नीचे की ओर दिया जाता है या फिर किसी मोबाइल में ऊपर की ओर साइड में दिया जाता है, लेकिन ये होल इसलिए दिया जाता है कि ये मोबाइल जब हीट होता है तो उसका जो भी गर्मी होता है ये होल के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये भी आप समझ लीजिए, ये इसलिए दिया ही जाता है। तो अगर मोबाइल का ऊपर वाला पार्ट जो है हीट हो रहा है तो वो बिल्कुल उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो एक अच्छी बात है कि मोबाइल की जो भी गर्मी होती है ऊपर वाला, जो भी रैम इस्तेमाल होता है, जो भी आपके मोबाइल में जो भी मदरबोर्ड काम कर रहा है या फिर जो भी सिस्टम प्रोसेसर वहाँ पर लगा हुआ है जो वर्क कर रहा है, वो अच्छी बात है कि जितना भी उस पर लोड पड़ रहा है उसका गर्मी जो है बाहर निकल जा रहा है। अब वहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि वो ज़्यादा हीट ना हो। हीट का भी एक पॉइंट होता है कि अगर नॉर्मल हीट हो तो बेहतर हो, अगर वही मोबाइल ज़्यादा हीट हो जाएगा तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। अब ज़्यादा हीट क्यों होता है ये भी आप समझ लीजिए। कई बार आप देखते होंगे जब आप मोबाइल पे किसी एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करते हैं तो एप्लीकेशन जो है अनसपोर्टेड फाइल होता है, यानी कि ऐसा वो सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा एप्लीकेशन होता है, जब डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे स्पष्ट लिखता है कि दिस सॉफ्टवेयर इज अनसपोर्टेड, यानी कि यह जो फाइल है वो आपके मोबाइल में अनसपोर्टेड है, ये आपके मोबाइल के लिए बेहतर नहीं है, ये हार्मफुल है। जानते हुए भी अगर उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अपने मोबाइल में करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके मोबाइल पे जो है इफेक्ट पड़ेगा और इसको लेकर जो है आपके मोबाइल का जो ऊपर वाला पार्ट है वो ज्यादा हीट हो जाएगा। दूसरा, अगर हम मोबाइल में नॉर्मल मेरे मोबाइल का जो रैम का पावर है वो काफी कम है और उसमें जो सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल कर रहे हो काफी हाई पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लेकर भी मोबाइल पे हीट पड़ जाएगा, यानी कि लोड ज्यादा पड़ेगा। अब आप समझिए कि एक इंसान की क्षमता अगर 30 kg किसी भी सामान को ढोने की है, अगर उसी इंसान के सर पे 70 kg का कोई बोझा डाल दिया जाए तो सोचिए उस इंसान की हालत क्या होगी। वही हालत मोबाइल के साथ होता है। समझिए कि किसी मोबाइल में कितना उसका शक्ति है, कितना पावर के एप्लीकेशन को कंडक्ट कर सकता है। आप अक्सर देखते होंगे, मोबाइल में देखते होंगे लोगों को पबजी खेलते हुए। आप सोचिए क्या एक नॉर्मल मोबाइल जिसमें रैम की मात्रा बिल्कुल कम है, अगर उसमें आप पबजी खेलेंगे या फिर वैसे वैसे गेम का एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करेंगे जिसका पावर काफ़ी हार्ड है, तो जाहिर सी बात है जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो मोबाइल पे लोड काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा और जब लोड ज़्यादा पड़ेगा तो उसका जो रैम है वो हीट हो जाएगा और हीट होगा तो पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा जो है मोबाइल हीट हो जाता है। इसलिए आप कोई भी ऐसा एप्लीकेशन अपने मोबाइल में बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिए जो आपके मोबाइल में अनसपोर्टेड हो,
या फिर जो काफ़ी जो है वहाँ पे हार्ड पावर का वहाँ पे हो, वो सब आप इस्तेमाल नहीं कीजिए। पबजी खेलने के लिए या फिर नॉर्मली काफ़ी बड़े बड़े जो गेम होते हैं उसको खेलने के लिए एक बेहतर मोबाइल होता है जिसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है। वो सब मोबाइल में अगर आप खेलेंगे तो उस मोबाइल पर ज़्यादा हिट नहीं पड़ता है। लेकिन नॉर्मली आप नॉर्मल वाला मोबाइल लेते हैं जो कि 10,000, 15,000 या फिर 20,000 के अंदर का होगा, तो उसका जो रैम का शक्ति होता है वो कम होता है। इसीलिए जब उसमें गेम वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर वहाँ पर जब गेम खेल गए तो नॉर्मली है वहाँ पर आपका जो रैम है वो गर्म हो जाता है या फिर मोबाइल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो गर्म हो जाता है। तो यही सब प्रॉब्लम होता है, हालांकि इसको प्रॉब्लम नहीं कहेंगे। आप नॉर्मली अगर ऊपर वाला हिस्सा आपका जो है ज्यादा गर्म हो जा रहा है तो उसके लिए जो आपके मोबाइल में वैसा सॉफ्टवेयर है जो देखिए जिसको आप जब चलाते हैं तो आपका मोबाइल ज्यादा हीट हो जाता है, उसको आप डिलीट कर दीजिए, वहां से हटा दीजिए। तो ऊपर वाले का एक ही समस्या है, एक तो नॉर्मली अगर नॉर्मल हीट हो रहा है, जैसे आप समझिए एक इंसान की बात करते हैं और मोबाइल की बात करते हैं, अगर आप किसी शोरूम में जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण होता है वो बिल्कुल ठंडा होता है। इसीलिए नियम भी बना हुआ है कि अगर आप वैसे जगह पे हैं जहाँ पे एसी लगा हुआ है, जहाँ का मौसम जो है ठंडा है, और तुरंत आप उस शोरूम से बाहर निकलते हैं, गर्मी में आते हैं, तो नियम ये कहता है कि आप थोड़ा देर बाहर निकल के 1 से 2 मिनट आराम कीजिए और उसके बाद सड़कों पर निकलिए, उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यही हाल मोबाइल का भी होता है। आप सोचिए अभी जहाँ पे मोबाइल रखा हुआ है यहाँ का टेम्परेचर कुछ और है, और इसी मोबाइल को अगर एसी वाले रूम में ले जाके हम रख दें तो तुरंत इसका टेम्परेचर में जो चेंज हो जाएगा। तो ये भी दो कारण होता है, इस दो कारण को लेकर भी मोबाइल जो है हीट हो जाता है। तो यही सारा काफ़ी कारण है। तो अगर ऊपर वाले हिस्सा पर जो है गर्म ही हो रहा है तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मोबाइल की अच्छी बात है कि जो भी मोबाइल की गर्मी है वो यहाँ से जो बैक साइड से होल बना हुआ है इसके थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन ध्यान रखिए मोबाइल जो है ज़्यादा हीट नहीं हो, अगर ज़्यादा हीट होगा तो वैसा हार्ड पावर वाला सॉफ्टवेयर आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कीजिए। और अगर बैटरी वाले जगह पर यानी कि मोबाइल के नीचे वाले जगह पर अगर उस तरीके से हीट हो रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधी समझिए कि या तो आपके मोबाइल के बैटरी में प्रॉब्लम है या फिर जो आप चार्जर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप चेंज कर दीजिए। जितना मोबाइल की शक्ति है, जितना मोबाइल को खाने की पावर उसका डोज बनाया गया है, उतना ही पावर उसको बिजली दीजिए, उस हिसाब से चार्जिंग कीजिए तो बिल्कुल सेफ रहेगा। तो नॉर्मली जितने भी लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर इस टेंशन में रहते हैं, मोबाइल अक्सर उनका हीट हो जाता है, चाहे आप पॉकेट में रखे हुए रहते हैं तो पॉकेट में हीट होता है, या फिर टेबल पे रखे हुए रहते हैं टेबल पे हीट होता है, या फिर हाथ में जब मोबाइल को आप कंडक्ट करते हैं यानी कि चलाते हैं तो वहां पे हीट हो जाता है। तो यही दो कारण होता है, मोबाइल दो जगह पे हीट होता है और दोनों जगह पे हीट होने का कारण जो है यही होता है।